हाय गाइस, ये जो अभी आपने दो फोटोज मैंने ऊपर शेयर किए हैं, ये दो एथलीट्स, दो बॉडी बिल्डर्स की हैं। तो अभी इनके साथ जो हुआ, दैट वाज एक्चुअली, ये इन्होंने इंजेक्शन ले रहे थे एक एनाबॉलिक सॉल्ट का, स्टेरॉयड का, एंड इनको पेन शुरू हो गई बहुत ज़्यादा लगाते लगाते ही इस एनाबॉलिक स्टेरॉयड को। एंड लेटर ऑन दे कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि सर, ये we had this very high level of pain जब हमने इंजेक्शन लगाया और पेन रुक ही नहीं रही, पेन कंटिन्यूसली बढ़ी जा रही है। मेडिसिन भी खा के देख ली, असर कोई नहीं हो रहा। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज दैट? ये जो आपने देखा पैच, ये हेमेटोमा है, यानी कि ब्लड पूलिंग ऑफ ब्लड इन योर लोकलाइज सबकुटेनियस टिश्यूज और मासेस। अभी हुआ कैसे गाइज? मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप इंजेक्शन्स यूज़ करते हो, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे होते हैं, ये इंटरमस्कुलरली यूज़ होते हैं, एंड विद एक्सेप्शन ऑफ सम DHT वेरिएंट्स, मोस्टली आर द ऑयली इमल्शंस जो आप यूज़ करते हो। सो व्हाट हैपन्स इज, कई बार आपने इंजेक्शन लोड किया, आपने बॉडी के बीच में उसको इंजेक्ट किया, मे बी योर ग्लूट। गाइज, एक तो पेन होती है जब नीडल बॉडी के बीच में इंजेक्ट हो रही होती है, दैट इज पेन विच एवरी वन गोज थ्रू। पर कई बार जब आपने नीडल को बॉडी में इंजेक्ट किया हुआ है आफ्टर एक्सपायरेटिंग इट, और जब आप उसको इंजेक्ट करने लगते हो, तब एकदम से बहुत भारी पेन शुरू हो जाती है, एज ए समवन इज जस्ट लिटरली कटिंग योर बॉडी डाउन विद सम नाइफ। तो गाइज, वो पेन जब भी हो, इमिजिएटली टेक द नीडल आउट फ्रॉम दैट साइड। व्हाई? बिकॉज ये नीडल कहीं ना कहीं किसी छोटी सी छोटी कैपिलरी या किसी वेन या किसी आर्टरी के पास बैठी होती है, और ये एक्चुअली ड्यू टू दिस बीइंग एन हैवी सॉल्ट, ये उसका जो सरफेस होती है उसको टेयर ऑफ कर देती है, या उसको कह लो आप ब्लड वेसल को बर्स्ट ओपन कर देती है। उससे ब्लड जो होता है वो चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है उस एरिया में, रीजन में, ठीक है। और ये पूलिंग ऑफ ब्लड जो होता है, दिस इज कॉल्ड हेमेटोमा। सो बेसिकली हेमेटोमा क्यों हुआ था? बिकॉज नीडल जो थी, दैट वाज रेस्टिंग और वेरी क्लोज टू ऑलरेडी, बिकॉज ये ज्यादातर तब होता है जब आप बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगा रहे होते हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ऑलरेडी आपके वो एरियाज इन्फ्लेम होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन जनरेट हुई होती है, सो ऑलरेडी दैट एरिया वॉज वल्नरेबल। और ऊपर से आपकी ऑलरेडी, बिकॉज बड़े बड़े लम्ब्स भी बने हुए हैं एस्टर्स के, जगह जगह जो फील कर रहे होते हो, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो आर्टरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्नर्ड अप हुई होती हैं ना, ऑलरेडी दे आर किसी एस्टर लम्ब, जो गिल्टी फील करते हो। एक्चुअली व्हाट दैट गिल्टी इज, दैट इज एक्चुअली एन एस्टर, जिसके बीच में स्टेरॉयड पड़ा होता है। धीरे धीरे एस्टर खुलता रहता है, स्टेरॉयड अलग होता होता है, ब्लड सेरम में आपके सर्कुलेट होता रहता है। इवेंचुअली आप कुछ दिनों के बाद देखते हो गिल्टी गायब हो जाती है। तो वो गिल्टियों की वजह से ऑलरेडी आपका वो वाला एरिया बहुत सेंसिटिव हुआ है, तो ऑलरेडी ये आर्टरीज और कैपिलरीज ऑलरेडी बहुत प्रेस्ड हुई होती हैं। ऊपर से व्हेन यू इंजेक्ट दीज नीडल्स एंड वेरी क्लोज टू इट, हैवी प्रेशर से आप ऑयल को इंजेक्ट करते हो, तो दिस लीड्स टू कंप्लीट पंचरिंग ऑफ दिस कैपिलरी और आर्टरी और वेन। सो गाइस, और जब भी ये होगा, इन केस ये जब से ये वेन फटती है या कैपिलरी फटती है, तो ब्लड एकदम से बर्स्ट ओपन करके टिश्यूज में पहुंच जाता है। तो इन केस अगर आपके साथ, किसी के साथ हो चुका है ऑलरेडी ऐसी दुर्भाग्य से ऐसी घटना घट चुकी है, तो व्हाट यू कैन डू, इसके लिए RICE प्रिंसिपल यूज होता है। फर्स्ट इज रेस्ट, आप उस एरिया को कंप्लीट रेस्ट मोड पे रखो, डू नॉट वर्कआउट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आप इस इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा दोगे। इवन तो आप चल भी नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा पेन हो रही होती है, इवन आपको एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी इसके ऊपर असर नहीं करेंगी। सेकेंड इज, फॉर फर्स्ट टू 24 आवर्स के लिए, 24 to 48 आवर्स के लिए आप उसके ऊपर आइसिंग करो। आइसिंग से क्या होता है कि वो जो एरिया होता है वो आपकी कह लो जो आर्टरीज है वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है अंदर अंदर ठंड की वजह से, तो वो ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 48 आवर्स जब जख्म भरना शुरू होता है, आप उसके ऊपर हल्का हल्का हीट कंप्रेशन, RICE, रेस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकेंड बींग फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स,
व्हाट यू डू आइसिंग आफ्टर 48 आवर्स, आप हीट कंप्रेशन किसी हीटिंग पैड से भी दे सकते हो या फिर आप किसी गर्म करके कपड़े को लगा लगा के उसको कंप्रेशन दे सकते हो. एंड द लास्ट थिंग इज एलिवेशन. कोशिश करो कंप्लीट बेड रेस्ट हो. अगर आपने कहीं ग्लूट में लगा लिया तो ऑब्वियसली इफ यू स्टार्ट कीप ऑन वॉकिंग ऑन दैट लेग तो वो जख्म भर नहीं पाएगा. तो यू हैव टू मेक इट हल्का सा एलिवेटेड करो जमीन से ताकि जो ब्लड है वो उस एरिया में कम से कम पूलंद हो, आपका जख्म जल्दी भर जाए. बाकी थ्रोम्बोफोब करके आपकी कुछ ट्यूब्स आती हैं विच यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन दैट रीजन ऑफ योर्स. एंड जस्ट गाइस रेस्ट, यूजली ये 2 से 4 हफ्ते लेगा अगर ये हेमाटोमा जनरेट हो गया टू हील इटसेल्फ. पर कई बार डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी कि आपका कितना बड़ा सॉल्ट था और कितनी देर तक आप उसको नीडल को डालते रहे, पेन होते हुए भी आप रुके नहीं, तो इट कुड बी इवन वर्स. कई बार नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वहाँ पे कैसे नर्व इंजर अगर हो गई तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपकी सेंसेशंस भी कई देर के लिए जा सकती हैं. सो गाइस दिस इज अ वेरी रिस्की थिंग व्हेन यू आर डूइंग सम थिंग ऑन योर बॉडी. एक्चुअली द एंटायर बॉडी बिल्डिंग व्हेन यू आर यूजिंग दीज परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, सो इट इज अ रिस्की प्रोपोजिशन. सो एज अ डॉक्टर आई कैन जस्ट गाइड यू सम स्टेप्स सो एज टू मेक योर सेल्फ सेफ और बचे रहो ऐसी इंजरीज से. क्योंकि अगर कहीं ऐसी इंजरी आपके कॉम्पिटिशन के पास हो गई है तो आप लगा लीजिए लास्ट के कुछ हफ्ते ही हम जो प्रेप कोचिंग करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए हो रही होती हैं, और तब कहीं ऐसी इंजरी हो गई है तो यू कैन जस्ट से बाय बाय टाटा टू दैट कॉम्पिटिशन. एंड बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी ज़ाया हो सकती है. सो जस्ट सम प्रिकॉशनरी वर्ड्स फ्रॉम मी डॉक्टर फ्लेक्स. सो होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू. टेक केयर.